हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स डायरीज। आज मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा रोल बनाया है। ये बनाने में बहुत आसान है और झटपट बन जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच तेल गरम करके लिया है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालें। अब एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालें और एक बारीक कटा हुआ टोमेटो डालें और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएं। अब स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस डालें और इसे 1 मिनट तक पकाएं और गैस बंद करें। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है। आप घर में जो ब्रेड अवेलेबल है वो ले सकते हैं। इसके किनारे कट करके इस तरह बेलन से ब्रेड को थोड़ा चपटा करें। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालें जो हमने अभी बनाया है। ऊपर से थोड़ा चीज़ डालें। और पिज़्ज़ा सीजनिंग डालें। ब्रेड के किनारों पर पानी लगाकर ब्रेड को रोल करें या सैंडविच की तरह बनाएं। आप आपकी पसंद के अनुसार इसमें सब्जी ऐड करें। अब इसे हम तवे पर सेक के लेंगे। मैंने थोड़ा ही तेल डाला है। अब इसे पलट लें और थोड़ा सा तेल डालें ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसे निकाल लें और इसे चीज़ और पिज़्ज़ा सीजनिंग डालकर सर्व करें। आप इसे ज़रूर बनाएं और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम्स डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।